ठीक है एक दो गाने नहीं चले कोई बात नहीं क्योंकि ये चीज हमारा तो काम है बिल्कुल मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर चीज बनाओ वो हिट बने बट जब आप काम कर रहे हो रुकना नहीं चाहिए चीज का तो मजा है ना जब सभी बोल रहे हैं कि नहीं कर सकता पर आपको पता है कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा वही वही जो गेम है कि मतलब यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव टू समी बट यू आर यूलो ट्राइंग टू प्रूव टू योर सेल्फ बट नॉट टू अदर पीपल

उसके बाद जैसे जैसे आप बोलते रहते हो तो आपको जैसे जैसे बाहर आप जाते रहते हो तो आपकी इंप्रूवमेंट होती रहती है शुरू शुरू में देने की जब इंटरव्यू की बारी आती थी तो बहुत ऐसा <laughs> होता था कि भाई परफॉर्म नहीं, नहीं <laughs> कोई को, किसी दोस्त का हुआ या किसी और क्रिकेटर का प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर आपको अगर आप अच्छी भी बोलते हो ना जो आपके टीममेट्स हैं, उनके लिए आप नहीं बोलते हो अच्छे तो भी कर लो तो उनके सामने उधर खड़ी जीत गया और एक आधी भी आपने कोई भी फंबल कर दिया या कोई भी गलती <laughs> कर दी तो सारा दिन जब तक अगली इंटरव्यू नहीं होगी मजाक उड़ाएगा तो उस चीज का बहुत प्रेशर होता है किसी बड़े चैनल के साथ

कि कितने कितने बड़े 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 फुटबॉलर है नेमार हो गया मेसी हो गया रोनाल्डो हो गया वो अपनी हाँ नेटिव लैंग्वेज हाँ, हाँ. में बोलते हैं उनके लिए कोई ये इंडियंस का ही थोड़ा ज्यादा कल्चर था कि आनी चाहिए नहीं हाँ, आनी तो ये स्टेटस में हो गया ना कि अगर आप इंग्लिश आती हो तो आप थोड़ा हाँ, अच्छे हो अगर नहीं आती तो बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ ए, ए, एक अभी थोड़ा अभी फिर भी थोड़ा अब लोग अभी जो जनरेशन आ रही है वो चेंज हो रहा है पर लास्ट एपिसोड में गगन अजीत पाजी वॉज हेयर एंड ही इज़ ओलंपियन आल्सो एंड इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं वो हॉकी के तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सेम क्वेश्चन मेरे हमेशा माइंड में चलता है मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ सारा दिन वो टीवी पे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं वॉट इज योर टेक ऑन दैट की क्या ये चीज सही है और इसका पेरेंट्स का कितना रोल है इसमें इस चीज को बढ़ावा देने में कि फोन देके बच्चों को बिठा दिया और वीडियो गेम खेलने हैं बजाय कि उन्हें फिजिकली बाहर लेके जाके फिजिकल एक्टिविटी कराने में सो so, स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट तभी जनरेट होगा अगर वो बेसिकली बचपन से एक्टिविटी करेंगे जैसे शुभमन शुरू से कर रहा है सो व्हाट इज योर टेक दैट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की बनती है कि हाँ शुरू से अगर मैं अपने घर की बात भी करूँ तो मतलब वहाँ पे भी अगर उस रुजस ने खाना खाना है तो उसको फ़ोन देना पड़ता है कि वो फ़ोन देखे <laughs> तो खाना खाएगी hmm. बट उसमें फिर कहीं ना कहीं ये भी होता है कि बच्चा आज के टाइम पे हो ही इतना गया है ये सब चीज़ें कि अगर आप नहीं करोगे तो वो खाएंगे नहीं पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक टाइम बनाएं कि हाँ अगर चाहिए फोन ठीक है वो भी चीजें देखनी क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप वो चीजें नहीं देखोगे शायद मुझे लगता है पीछे रह जाओगे क्योंकि बहुत चीज़ें आपको फ़ोन या याँ, याँस, से सीखने को मिलती हैं मतलब एक उसको अगर थोड़ा कंट्रोल रखोगे आप कुछ टाइम दिन में दोगे एक, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हाँ ये नहीं है कि हर हर वक्त देखो कि बच्चा फोन पे है हर देखो फोन पे है मतलब ये इंटरेस्ट क्रिएट करवाने पे होता है जब आप उनको ये बता दोगे कि ये चीज आपके लिए बुरी है ये मैं इतने टाइम के लिए दे सकता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं दे सकते इसके बाद अगर जल ठीक है इसके बाद बाहर जाने का टाइम है बाहर जा खेल सकते हो मतलब वो वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। कर सकते हैं तो मुझे लगता है शुरू वहाँ से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती उनकी है।, है और आज के टाइम पर जब जब मैं देखता हूँ तो वो वो ऐसे होता है कि अपना पंजाबी में बोलते हैं ना खेड़ा, है, खेड़ा काम कर सकता हूँ तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज के टाइम पे वो एक तो वो ज्वाइंट फैमिलीज नहीं रही पहले क्या होता था कि दादियां चाचिया सब साथ तो वो देख करते रहते थे आज के टाइम पे सिंगल हाँ हाँ तो

अच्छी चीजें दिखा सकते बिल्कुल हाँ उससे पिक करना कौन सी चीज उसको अच्छी लगती है वो जैसे म्यूजिक में लगा लो तो मेरे माइंड में है कि मैं रोजस को म्यूजिक सिखाऊंगा जरूर बिल्कुल या मैं ये चीज करवाऊंगा जरूर उसके बाद उसकी मर्जी उसकी है, है कि उसका इंटरेस्ट है या उसमें नहीं है बट मैं अपनी तरफ से वो कोशिश करूंगा जो चीजें जो मैं जो मैं देखता हूँ अच्छा हाँ, दे, दे दे, हाँ, वो, वो सिखाओगे वहां से इंटरेस्ट क्रिएट होना बिल्कुल मतलब कोई ऐसे नहीं है कि वो उसको बैठे बैठे कोई ऊपर से चीज आएगी और उसका इंटरेस्ट उसकी तरफ हो जाएगा मतलब वो इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा आपको आजकल यंगस्टर्स के ना दिमाग में एक बड़ा वर्ड चलता है वो आई थिंक आपको भी दोनों को काफी लोगों ने आके बोला होगा कि यार इसका तो तुक्का लग गया <laughs> हर बंदे के माइंड में होता है अगर वो खेल गया क्योंकि वो उसके पीछे की मेहनत नहीं देखता तो शुभमन आप उस पर क्या कहना चाहोगे बिकॉज uh, आप सच एट यंग एज आपको बहुत लोग आके बोलते होंगे अरे यार ये तो ऐसी सच्ची बताऊ तो मतलब हमारी इंडस्ट्री में सोच सकता हूँ कि तुक्का लग गया लग गया मतलब कुछ हुआ ऐसा और कोई, हो गया। कोई हुई और हिट हो। नहीं हो सकता बट बहुत लोगों का होता है कि यार इसने चल एक मैच में कर दिया इसका तुक्का लग गया हर मैच में नहीं मतलब अब तो स्पेशली आई थिंक कोविड के बाद जो ट्रोलिंग है किसी भी नॉर्मल ट्रोलिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है फ्री हो गया ना हाँ कि इतनी ज्यादा बढ़ गई उसकी वो एक लिमिट पार कर गई है वो hmm. चीज़ क्योंकि अभी इतना टाइम था लोगों के पास सारे अपने फ़ोन पे थे तो वो जो एक ट्रोलिंग का जो ट्रेंड अभी इतना ज़्यादा बन गया है हर एक इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स में hmm. सिंगिंग में hmm. कि वो भी हद से बाहर जा रही है हाँ. वो चीज़ क्योंकि लिखना बहुत बहुत आसान है लिखना एवरीबॉडी हैज अ फोन हाँ सब के पास फोन हाँ. है ठीक है और जो उसके पीछे जो बंदे बैठ के लिख रहे हैं उनको लगता है कि उनको पता नहीं लग रहा कि हमारी फेक आइडिया हम उनको कौन पहचान रहा है और लिखना बहुत ईजी हो गया कि यार इसका तो तुक्का लग गया ये नहीं कर पाएगा ये तो वैसे है ये तो वैसे है उनको ये उनको लगता है कि नहीं यार कौन देख हमारा थोड़ी कोई देखेगा पर उनको एक्चुअली ये चीज़ पता नहीं कि ये चीज़ कर इफेक्ट करती हाँ ये चीज अगर मुझे कोई बोल रहा है तो वो चीज मुझे इफेक्ट करती है उसमें उनको हो सकता लग रहा है तो मुझे याद है कि कई बार ऐसे होता है कि कई कि, कई लोग कॉमेंट किया गालियां निकालियां कुछ भी लिखा जब आप उसको जाके पूछते हो क्या प्रॉब्लम क्या है वो बोलते हैं मेरी रिप्लाई चाहिए था के ये मतलब ये ही हाँ, सिर्फ रिप्लाई लेना था इसलिए हाँ. तो मतलब नहीं है पता ही नहीं है कि क्या, क्या कैसे होता आपको पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट डालने किसके ऊपर भी हो जाते हैं मतलब ये ट्रोलिंग का भी एक बिजनेस होगा बिल्कुल मतलब मैंने तो यही सोचा कि मुझे भी इफेक्ट करती थी मेरा तो ये था एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे हाँ, और रात को बड़ा सही किस्सा है आप सुनना रात को किसी ने मुझे मैसेज बजे।, बजे की बात है हम हाँ, ट्रैवल कर रहे थे और ड्राइव कर रहा था और मैं किसी के साथ ऐसे मैसेज पे ना बिड़ रहा हूँ मतलब मेरी हाँ, शक्ल मेरी शक्ल बता रही है कि मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूँ इसने पूछ लिया मैं यार कोई नहीं मैं यहाँ पे ना रास्ते में एक गाँव आएगा वहाँ वहाँ से ना बंदा मेरे को बोल रहा है वहां मिलना तुझे मैं मेरे को मिलकर जाना तो पाजी पागल तो मैं शो करना जाके <laughs> तो मतलब मैं ऐसा होता था धीरे-धीरे मुझे लगा न, ये चलती okay, so, uh, पाजी, here, वो आगे बढ़े देश के लिए कुछ करें वॉट आर दो थ्री थिंग्स विच यू वॉन्ट टू टेल पीपल टू फॉलो इन द लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज है सेल्फ बिलीफ ये आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ में कर सकता हूँ और दूसरा मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन में कि आप सोचते हो कुछ भी चल रहा है जैसे ट्रॉलिंग चल रही है नेगेटिव कमेंट्स चल रहे हैं तो आप थोड़ा आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए आपके आसपास के लोग पॉजिटिव होने चाहिए आपका आपका सराउंडिंग ऐसी होनी चाहिए ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें जो आपको मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको उनको ही नहीं पता आपके नहीं। बारे में कि आप क्या कर सकते हो तो ये और तीसरी चीज मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें एक एक साइड पर रह जाती हैं कि आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है आपको लोगों की फीलिंग्स के लोग एक मतलब जब जब तक जब तक आप दूसरों का फील को अपनी फील नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे तो मुझे लगता है वो सबसे जरूरी है कोई भी बंदा कुछ भी बन जाए बट उसके अंदर एक फील होनी चाहिए उस चीज़ को लेके सो so दैट वो हर किसी की फील को फील कर सके कोई भी ऐसी तीन चीज़ें जो आप बोलना चाहते हैं बताना चाहते हैं कि लोग फॉलो करें एंड दे शुड मेक देयर कंट्री प्राउड लाइक यू हैव डन ब्रो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फील इज हार्ड वर्क बिकॉज हार्ड वर्क के साथ साथ आपको और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं जैसे जैसे मैंने बोला कि डाउन टू अर्थ एक अच्छा ह्यूमन आई थिंक जो बंदा मेहनत करता है उसको हर एक चीज़ की कदर पता होती है अगर कोई बंदा मेहनती है तो वो अपने आप ही ग्राउंडेड होगा क्योंकि उसने वो देखा हुआ है वो टाइम देखा हुआ है और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो पेशेंस कि आप किसी भी किसी भी फील्ड में हो आपको पता है कि आप अपना काम कर रहे हो तो आपको पेशेंट रहना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है और तीसरी मुझे लगती है कि बोली यानी कि सेल्फ बिलीव आप लगा लो या फिर

अगर म्यूजिक नहीं होगा तो मुझे लगता है कि फिर मैं सोच नहीं सकता अपनी लाइफ और, और और, करने की भी नहीं सोच सकता मुझे लगता है फिर शायद उस दिन अब मैं अगर, अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं शायद मैं नहीं उस दिन अगर दिन okay, so we'll <laughs> sports, uh, अगर जिस म्यूजिक नहीं होगा ओके सो विल चेंज द इज स्पोर्ट्स फॉर यू स्पोर्ट्स अगर मतलब अभी अभी तो फिर मैं वही बोलूंगा अभी मैं नहीं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा बट बत अभी क्या है कि अब मेरे लिए एंटरटेनमेंट ही है क्योंकि हम स्पोर्ट्स अभी जितनी आईपीएल जितनी चीजें देखते हैं वो इस तरीके से देखते हैं बट हाँ अगर मैं पीछे जाके बताऊं तो मतलब उस टाइम तो मुझे ये था कि ये और दिन में कुछ मिले ना मिले हाँ। दो घंटे खेलने के लिए जरूर नहीं। मिलने नहीं। चाहिए क्योंकि मतलब आपका मूड अगर बीमार भी हो थोड़ा डाउन फील कर रहे हो आप भाग रहे हो बाहर जा रहे हो तो मतलब उससे वैसे ही आप अपलिफ्ट हो जाते हो मतलब अगर मेरे लिए तो उस टाइम पे यही होता था कि यार दिन में दो घंटे तो मिलने चाहिए बिल्कुल मेंट फॉर मी इज़ ऑल अबाउट हैविंग एन ऑफ टाइम फ्रॉम क्रिकेट मतलब जैसे आपने बोला कि ऐसा होना चाहिए तो मेरे लिए अगर किसी अगर किसी भी बंदे का मूड अच्छा नहीं है तो वो गाने सुनकर hmm. या कोई मूवी देख कर वो सब चीज़ें मतलब इट कैन चेंज योअर मूड सो क्विकली तो अगर आप कोई गाने किसी पर्टिकुलर बंदे के गाने पसंद आए या फिर यू you नो know, कहीं को शायरी पसंद है कहीं को hmm. वो

ये कोई चीज़ का शॉर्टकट मिल जाए किसी भी फील्ड में hmm. पढ़ाई में या hmm. फिर स्पोर्ट्स में या फिर एंटरटेनमेंट में hmm. एक ये एक जनरल बिकॉज अभी जैसे उन्होंने बोला कि अभी फिर भी वैसे लोग आने लगे कि एकदम से बहुत ऊपर hmm. तो सभी को है कि मेरा भी कुछ ऐसा हो जाने कि मैं भी एकदम एक से वैसा बहुत कम होता है और अगर आप वो चीज़ करने को देख रहे हो इफ़ यू आर स्ट्राइविंग फॉर दैट यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट आपको अपना जो काम है वो करते रहना चाहिए और कि मतलब ट ना लो तो अच्छा है अपनी बात करूँ कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था, मुझे, मुझे नहीं पता था कैसे करना है कैसे नहीं तो मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है सब कुछ तो जो वो बोलते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप जाता है ऊपर तो उसको उसके साथ सारी नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस जाता है मतलब अगर आप वहाँ से नीचे भी आओगे तो आपको पता होगा कि स्टेज पे मैं ये मेरा ये ऐसा yes, होगा तो मतलब वो बहुत जरूरी है आपकी लाए, आपकी लाइफ में कि शॉर्टकट ना हो एक्सपीरियंस no. और उसके बारे में जानो और उसके बारे में अच्छे से पढ़ो पता करो फिर ही उसके बारे में बिल्कुल भाजी बस लास्ट फ्यू क्वेश्चन एक चीज जो मैं चाहता हूँ कि आप हंड्रेड उन यंगस्टर्स को बताएं कि स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में वो किस तरीके से आ सकते हैं किस तरीके से उन्हें हम मोटिवेट कर सकते हैं और क्या ऐसे रास्ता है कि वो उसको परस्यू कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं मतलब आप एंटरटेनमेंट में आप बता सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए तो टेक। में मुझे लगता है कि आज के टाइम पे म्यूजिक में अगर मैं बताऊं तो बहुत लाइक like, अगर आपके पास टैलेंट है आप अच्छा लिख लेते हो आप कंपोज कर लेते हो तो आ, ये बेस्ट टाइम है इस इंडस्ट्री में काम करने काम के, 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 के लिए हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बट अगर आपके पास आपके पास कुछ डिफरेंट है डिफरेंट टैलेंट है और यहाँ आपकी जो चीज आप वो चीज लिख सकते हो जो लोगों से रिलेट करती है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उससे उससे उसके साथ मैच करता भी है नहीं, नहीं करता, करता यहाँ आपको कितना काम उस पर करना चाहिए बट अभी बेस्ट टाइम है जो डिफरेंट काम करना चाहते हैं पंजाबी इंडस्ट्री में क्योंकि म्यूजिक जब से ये स्पॉटिफाई या सब बिल्कुल स्ट्रीमिंग ऐप शुरू हुई हैं तो मतलब आपको खुल सारा गया खुल गया है सारा म्यूजिक सुनने को मिल जाता है कोई बाहर का किसी का भी गाना है सो so, शुभमन अब आप बताएं आ, कि एक ऐसी चीज या आप कुछ बताना चाहते हैं यंगस्टर्स के लिए कि वो किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं और स्पोर्ट्स में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कितनी फील्ड्स हैं और उन्हें क्यों स्पोर्ट्स में आना चाहिए आई थिंक एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि हमको कौन सी एकेडमी में या फिर किधर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए आई थिंक जो अकेडमी में आपकी जो प्रैक्टिस होती है वहाँ पे वो प्रैक्टिस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी स्पोर्ट्स हाँ जी किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में बिकॉज अगर आप पूरी अकेडमी में जाते हो वहाँ पे पचास या सौ बच्चे हैं उनका नेट लगा हुआ है तो आपको दस या आप चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो आपको दस से पंद्रह मिनट बैटिंग मिलेगी उसके अलावा आप उनसे अलग क्या कर रहे हो और कितनी ज़्यादा देर Manage तक कर रहे। हाँ जी कितनी ज़्यादा देर तक कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो उसके लिए आपको चाहे आप किधर भी हो चाहे अकेडमी लगी हुई है चाहे नहीं लगी हुई है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आई थिंक और जो आपने बोला कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है स्पोर्ट में आई थिंक हर जगह में स्पोर्ट्स हमको हेल्प करती है चाहे आप कहीं कॉलेज में एडमिशन भी लेनी हो तो आपको अगर आप स्पोर्ट्स में आपने अच्छा किया तो आपको एक एज होता है उसके ऊपर अगर आपको जॉब कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है हाँ चीज़ें होती हैं बहुत से. सारी चीजों से हेल्प मिलती है हमको स्पोर्ट्स में और जो भी बंदा इंडिया के लिए खेल रहा है जरूरी नहीं कि वो ही अपने लिए अच्छा कर रहा उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं hmm. वो जैसे जैसे आप खेलते हो आप लोगों को देखते हो कि वो ये बंदा ये कर रहा आपको तभी वो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने का मौका hmm. मिलता है uh, पंजाब में स्पोर्ट्स कल्चर दोबारा बनाने के लिए क्या क्या चीजें एज एन इंडिविजुअल और एज अ प्लेटफॉर्म या एज़ सारी दुनिया हमारे हम पंजाबियों के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए ताकि वो हम जो आप कह रहे हैं जो जज्बा आप पहले देखते थे वो कम हो रहा है उसको हम वापस ला सकें आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो है जैसे जैसे मैंने बोलते कि जो कल्चर है स्पोर्ट्स का कल्चर वो पेरेंट्स uh, को दोबारा वापस लेके आना चाहिए अभी आई थिंक बिकॉज सारे ही बंदे अपनी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी, बिजी हो गए हैं कि वो पहले क्या होता था कि जैसे मेरे घर में क्या होता था कि सारी जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी hmm. सारे एक साथ बैठकर खाना खाना या फिर टीवी देखना या काम करना या कोई भी इंपॉर्टेंट hmm. मैच होता तो सब सबको होता था कि सारे दोस्त सारे एक साथ बैठ कर hmm. थिंकिंग इंडिया का कोई भी मैच hmm. आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो वो जो कल्चर है वो आई थिंक वो अभी थोड़ा कम हो गया hmm. अगर वो हम कल्चर दोबारा क्रिएट कर सकते हैं एज़ 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 पेरेंट्स वो काफी इंपॉर्टेंट है इवन इवन पाजी द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वी वी ऑल कैन आल्सो पुश दैट एंड सपोर्ट दैट इन टर्म्स ऑफ यू नो प्रमोटिंग ऑन आवर सोशल मीडिया जैसे कि आप खुद इतनी फिटनेस करते हैं और ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट काफी ज्यादा फिटनेस में इन्वॉल्व होता है तो uh, कभी कभी अगर हम एज एन एंटरटेनमेंट उसको पुश करें उसमें क्या टेक है पाजी आपका मुझे लगता है कि जब आप एक ऐसी फिगर बन जाता है जब आपको लोग फॉलो करते हैं देखते हैं तो आप जितनी अच्छी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं आप करनी चाहिए चाहे आपकी फील के साथ हों या ना, ना होती हूँ हो, बट जैसे हम हैं तो अगर म्यूज़िक में भी कर रहे हैं बट हमें क्रिकेट का जितना इंटरेस्ट है जितनी हमने क्रिकेट देखी है अगर ना कोई ना मैच है तो आपको पता है कि हम सब एक साथ बैठ के मैं होता के एक साथ बैठेंगे आज मैच देखेंगे मतलब आईपीएल शुरू होती है उससे पहले हमें मतलब जैसे होता है ना घर पे शादी होती है वैसा खुशी होनी शुरू हो जाती है कि अभी ठीक है अभी हमारे तीस पच्चीस दिन ऐसे निकलेंगे अच्छे वाले तो मतलब वैसे हमारा चलता रहता है प्रमोट करने का कि हाँ आपने डाल दिया बट मुझे लगता है कि अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स के स्कूल से जैसे शुरू होती है वहाँ पे आपके exactly पास आपके people. पास क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तब से जैसे जो स्पोर्ट्स में पेरेंट्स शायद उतना इंटरेस्ट नहीं बना सकते जितना आपके स्कूल में जाके स्कूल वाले बना सकते हैं तो मतलब स्कूल में टाइम भी घर से ज्यादा स्कूल, में, में आप स्पेंड करते हो उनके वहाँ पे कम्पिटिशन होने चाहिए स्कूल में जैसे इंटर स्कूल होते हैं फिर जोन होते हैं, होते हैं. होते हैं। and मतलब इवन uh, uh, एक जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है जो मैंने बहुत सारे बजी स्कूलों में देखा है वो Uh, इतनी सपोर्टिव नहीं होते बहुत लिमिटेड स्कूल्स हैं अगर आप बात करो जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं मतलब बाकी सिर्फ स्पोर्ट्स के नाम पे ही होता है कि हाँ ठीक है वहाँ पे नेट लगा हुआ है, है। वॉलीबॉल वाल भी खेल रहे हैं वहाँ पे अच्छा ये है चलो वो ये खेलने मतलब वो चीज नहीं उनके पास उनको आ, मतलब कम से कम दो से चार गेम्स के तो अच्छे आ, मास्टर्स रखने चाहिए उनको टीचर्स ऐसे हों जो कोच हों जो उनको सिखा सकें जो बच्चों को बता सके कि गलत क्या है सही क्या है तो मुझे लगता है वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट इजीली हो सकता है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कि ज़रूरी आज के टाइम पे स्कूल्स में इंटरेस्ट क्रिएट पेरेंट्स वन पार्ट द स्कूल जी सो so आप भी uh, सहमत होंगे जैसे वजी स्कूल और कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है टू डेवलप दैट इंटरेस्ट यूर ओन फ्रेंड्स एंड एवरीबडी तो वहाँ कल्चर ऐसा बनना चाहिए जी बिल्कुल आई थिंक स्कूल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और जैसा कि uh, मैंने बोला पहले कि बच्चा कोई भी स्कूल में ज़्यादा जितना influence वो स्कूल में होता है उतना influence वो वापस घर जाकर नहीं होता क्योंकि स्कूल में आप दूसरे बच्चों को भी देखते हो और फिर आप उनसे कम्पीट करने की कोशिश करते हो वहाँ से आपका इंटरेस्ट आता है कि आप कोई भी चीज़ में जब आप कंपीट करने की ट्राई करते हो कि मुझे मुझे भी ये चीज़ करनी है तो वो इंटरेस्ट हमारा वहाँ से बढ़ता है हमारा hmm. वहाँ so, uh, we'll uh, से इंटरेस्ट बोलते हैं ये uh, हाँ। दोनों भाई हैं हाँ। मुझे बहुत सारे <laughs> आते हैं। आपके शुभमन छोटा <laughs> 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 जो मेरी सबसे एक्चुअली uh, पहली मेमोरी है मुझे याद है बिकॉज हम ट्रैवल काफ़ी करते थे जब जब भी हम गांव जाते थे यहाँ से तो छः सात घंटे की हमारी जर्नी होती थी और

जब ये परफॉर्म करता तो हम परफॉर्म करते हैं ऐसा हाँ। तो कर तो और और <laughs> नहीं बट हाँ जरूर जब भी मैच शुरू होना आता है तो हम पहली ये चीज होती है कि आप देखें अच्छा ठीक है शुभमन खेल रहा है पहली चीज ये दूसरी चीज ये होती है हाँ कि अच्छा ठीक है आज 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 बना के जाए तो मतलब वो एक स्पेशल आपका कनेक्शन बन जाता है जब आप किसी को पर्सनली जानते होते हो और आप उसको देखते हो ऐसी गेम में मतलब जो गेम यहाँ पे लोग ऐसे देखते हैं कि मतलब जैसे आपने बोला कि सिर्फ ढाई सौ लोग अभी तक इंडियन क्रिकेट के इंडियन टीम के लिए खेले हैं तो मतलब अगर उन, उन में से आपका नाम शुभमन गिल का नाम है तो मतलब बड़ी बात, है।, बात, है।, बात है।, है और वो हमारे साथ बैठे हैं हमें पर्सनली जानते हैं इससे अच्छा लास्ट क्वेश्चन इफ यू डू आई थिंक uh, सबसे पहले तो मैं उठकर जैसे मैंने बोला कि बाथरूम में गाने गाता मेरी आवाज अच्छी होगी सबसे पहले तो मैं गाने गाऊंगा सारे <laughs> <laughs> उसके बाद देखूंगा कि आगे क्या करूँ भाई अगर आपको शुभमन गिल की लाइफ जीनी हो एक दिन के लिए वो आप क्या करें भाई फिर मतलब सब जितने बॉलर हैं सबको मतलब पीटूंगा उस दिन <laughs> तो फिर मैसेज जाऊंगा भी आ जाओ सारे <laughs> अगले दिन जब भी उठेंगे तब इनकी आवाज़ बिल्कुल बैठी होगी इतना होगा थैंक यू वेरी मच जस्सी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एट फ्राइडे टॉक्स आप लोगों का आना मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है और uh, आप इतना कीमती वक्त निकाल के और सॉरी आपको तो मैं तंग करके बुलाया तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड आपके आने से मेरा शो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन जाएगा सो दिस वॉज जस्सी गिल पाजी एंड शुभमन गिल ब्रो एट फ्राइडे डॉक्स मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे टॉक्स सी यू